बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजार। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, जैसा कि आप देख सकते हो मैं आज आया हूँ आगरा फोर्ट। तो आपको आगरा फोर्ट विजिट कराऊंगा पूरा, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आप जैसे आपको यहाँ आगरा फोर्ट आना है, तो आगरा फोर्ट आने के लिए आपको दो तरह से आ सकते हैं। बाई ट्रेन आप आगरा फोर्ट उतर सकते हैं, और उसके अलावा आप आगरा कैंट उतर सकते हैं। आगरा कैंट और आगरा फोर्ट से बाई ऑटो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसके अलावा आप बाई बस भी आ सकते हैं, और यहाँ का टिकट आपको पड़ेगा 45 रुपये पर पर्सन का। एक व्यक्ति का 45 रुपये है इंडियन पर्सन का, जो कि टिकट ऑनलाइन कर सकते हो आप, बुक ऑफलाइन भी कर सकते हो। ऑफलाइन टिकट बुक करने के लिए टिकट काउंटर है इस तरफ, तो आप जो है टिकट काउंटर से आप टिकट ले सकते हो। ऑनलाइन करनी हो टिकट बुक, तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो। तो हम चलते हैं आगरा फोर्ट के अंदर, और ये मेरे पीछे देख रहे हो, ये पता नहीं कौन है, दूल्हा किसका पता नहीं किसका खो गया है। तो जिस किसी का हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दे किसका दूल्हा है ये। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे। जैसा कि देख रहे हो ये मेरे पीछे था एंट्री गेट, यहाँ से मैंने एंट्री करी थी, और यहाँ पर आपको चेकिंग की जाएगी आपकी, और टिकट चेक किया जाएगा, उसके बाद आपको एंट्री मिल जाएगी। गाइस, इस गेट से हम अंदर जाने वाले हैं। इस गेट का नाम है अमर सिंह द्वार, जो कि आगरा फोर्ट के अंदर है। इस गेट से हम अंदर जाएंगे, तो चलते हैं अंदर। अभी फ़िलहाल हम अमर गेट से अंदर आ चुके थे, और अंदर का नज़ारा देख सकते हो, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। और ये मेरे साथ आया है मेरा दोस्त, जो कि इसका नाम है आयुष, और ये आप इसके इंस्टाग्राम पे विजिट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में इसके इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और साथ में मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक दे रखा है, फेसबुक पेज का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जा करके फॉलो कर लीजिए। तो गाइज, हम एंट्री कर चुके थे पहले ही। एंट्री करने के बाद में फिर हम लगभग 100 मीटर चल कर के आए हैं। ये काफ़ी ऊंचाई है, इसको चलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, तो चलते हैं फिर आगे। और आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं कि इसके बारे में, तो मैं जो है इसकी एक सेपरेट क्लिप लगा देता हूँ आपको। जैसा कि आपको अभी मेरी क्लिप शो कराई है, उस क्लिप को आप स्टॉप करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो। उसके बारे में थोड़ा सा मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका पुराना नाम जो था वो बादलगढ़ के नाम से था, लेकिन फ़िलहाल में अब इसको आगरा फोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि अकबर ने बनवाया था। पहले ये जो है ईंटों का बना था, ईंटों के बनने के बाद में अकबर ने इसे पुनर्निर्मित कराया था बलुआ पत्थर से। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। गाइस, ये मेरे पीछे जो देख रहे हो ये है जहांगीरी महल और अकबरी महल, तो चलते हैं जहांगीरी महल और अकबरी महल की तरफ। गाइस, ये मेरे पीछे देख रहे हो ये है जहांगीर का कुंड, जो कि इसका ब्यास जो है 8 फीट का है, इसकी ऊंचाई 5 फीट है। तो इसमें जो है जहांगीर स्नान किया करते थे, तो चलते हैं आगे की तरफ, जहांगीर के महल की तरफ। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है हर चीज। गाइस, यहाँ पे आप सुबह के टाइम आएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर शाम के टाइम में, क्योंकि इस टाइम पर जो है गर्मी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा, बार बार पानी पीना पड़ रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए पानी भी पीना पड़ेगा। तो इसलिए जो है सुबह के टाइम आने की कोशिश करें, या फिर शाम के टाइम, जिससे कि आपको मौसम का भी अच्छा इफ़ेक्ट मिलेगा देखने को, आप थकोगे नहीं घूमते घूमते, क्योंकि आगरा फोर्ट काफ़ी बड़ा है। अभी तो काफ़ी लंबी वीडियो जाएगी, तो लास्ट तक ज़रूर देखें वीडियो को। तो गाइज, अब हम जो है जहांगीरी महल के अंदर एंटर करने वाले हैं। तो ये है जहांगीरी महल का गेट, फिलहाल हम अंदर पहुंच चुके हैं जहांगीरी महल के अंदर।
तो चले गए इसके अंदर। देख सकते हो काफ़ी अंधेरा हो रखा है इसके अंदर। और अंदर जाने के लिए हम यूज करने वाले हैं ये वाला गेट जो कि पीछे दे रखा है, तो चलते हैं इसके अंदर। गाइस जहांगीर महल के अंदर का नज़ारा जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हो, यही है जहांगीर महल। तो चलेंगे आगे की तरफ, तो चलते हैं फिर आगे की तरफ। गाइस तो हम अंदर आ चुके थे इस गेट से अभी। तो अंदर आने के बाद में यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, साथ में मरम्मत कार्य चल रहा है। तो फिर आगे की तरफ गाइस, और आपको दिखाते हैं अच्छे अच्छे नज़ारे जो कि आपने शायद नहीं देखे हो। हिडन प्लेसेस भी दिखाएंगे, कुछ अनोखी चीज़ें भी दिखाएंगे आगरा फोर्ट के अंदर। गाइस ये एक ऐसा प्लेस है, यहाँ पर आप जो है दीवार के एक कोने से इस तरह से अगर आप थपथपाओगे तो दूसरी साइड में आपको आवाज़ सुनाई देगी। तो इसको ट्रायल करके दिखा देते हैं ऐसा होता है या नहीं होता है, तो चलो ट्रायल करके दिखा देते हैं कि आयुष भाई चलो बजा दीजिए आप इस दीवार को। अरे भाई इतना तेज़ नहीं बजाना, इतना तेज़ थोड़ी ना बजाना, आराम से बजाओ इसको। और यहाँ पर मैं कान लगा करके सुनता हूँ, जैसे ही आप यहाँ पर कान लगा करके सुनोगे तो आवाज़ आपको सुनाई देती है। कुछ इस तरह से आप कान लगा करके सुनोगे तो आवाज़ सुनाई देगी। बाकी आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो यहाँ पर आ करके। और मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया कि यहाँ आप सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक आप विजिट कर सकते हो। तो चलते हैं फिर आगे की तरफ और अच्छे अच्छी अनोखी जगह दिखाने को। यहाँ से ताजमहल का व्यू काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ से ताजमहल को देख सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट टिकट। तो दिखा देता हूँ मैं किस तरह से आप ताजमहल को यहाँ से देख पाओगे। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ से आप विदाउट एनी कॉस्ट विदाउट टिकट यहाँ से ताजमहल को देख पा रहे होंगे। कुछ इस तरह से ताजमहल यहाँ से दिखाई देता है, काफ़ी अच्छा व्यू आता है। गाइस यही है वो दरवाज़ा जो कि मोहम्मद गजनवी के मकबरे से लेकर के आए थे अंग्रेज। ये था वो दरवाज़ा जो कि सिक्योरिटी पर्पज़ से अभी इसको फ़िलहाल बंद कर रखा है जैसा कि देख सकते हो। चीज राज है अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी। ये है मेरे पीछे खास महल और ये है फाउंटेन। इसके ठीक सामने है अंगूरी बाग जैसा कि यहाँ देख सकते हो, ये है अंगूरी बाग। और चलते हैं फिर आगे, आगे भी ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव प्लेसेस के बारे में बताते रहेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो ब्लॉग को और साथ में शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए हम ना आए। ये मेरे पीछे देख रहे हो ये है दीवाने खास और इधर है जहांगीर का तख्त सिंहासन। और इसके अलावा आप यहाँ से जो है ताजमहल का व्यू देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट टिकट विदाउट टिकट के। और ये है आगरा की सड़कें जो कि यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इधर जो है आपको रेलवे ट्रैक दिखाई दे रहा होगा। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा आगरा फोर्ट का, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी मेरे ब्लॉग से। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।